हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर दो प्याज़ा। पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने ये पनीर को इस तरह से कटिंग कर लिया है और मैं इसे एक बॉल में मैं इसे ट्रांसफर करूँगी। इस बॉल में मैं इसे डालूँगी और इसे मैं मैरिनेट करूँगी। और इसमें मैं कुछ सूखे मसाले में डालूँगी। ये मैं चाट मसाला में इसमें डाल रही हूँ और मैं ये थोड़ी सी आधी चम्मच में हल्दी पाउडर डालूँगी और ये मैं लाल मिर्च पाउडर में डालूँगी और थोड़ा मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। साथ ही में मैं थोड़ा दही भी इसमें ऐड करूँगी और इसमें मैं एक चम्मच ऑयल डालूंगी और इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर दिया है और मुझे इसे फ्राई करना है। ये देखिए मैंने मेरा ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसे फ्राई करूंगी। ये देखिए मेरा पनीर फ्राई हो गया। मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का फ्राई करना है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। ये देखिए मैंने पनीर को निकाल दिया है और दूसरी तरफ मैंने पैन फिर चढ़ा दिया है और ऑयल भी मैंने डाल दिया है और इस तरह मैंने कटिंग कर लिया है प्याज और शिमला मिर्च। मैं इसे थोड़ा फ्राई करूँगी। ये देखिए मेरा शिमला मिर्च फ्राई हो गया है। अब मैं इसे भी निकाल देती हूँ और साथ ही में मैं प्याज भी फ्राई करूँगी। ये देखिए मेरा प्याज भी फ्राई हो गया है। अब मैं इसे भी निकाल देती हूँ। ये देखिए मैंने एक प्याज का पेस्ट बना लिया है और ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसके ग्रेवी के लिए मैंने इस तरह से टमाटर को कटिंग कर लिया है और साथ ही में मैं दो चार काजू भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने टमाटर का एक पेस्ट बना लिया है, टमाटर और काजू का। ये भी मैं इसमें साथ में ही भूनूंगी और साथ में कुछ मसाले में मैं डाल दूँगी। मैं आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ और हल्दी पाउडर आधी चम्मच डाल रही हूँ। साथ ही में मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च में डाल रही हूँ और मैं साथ में इसे अच्छी तरीके से भूनूंगी। ये देखिए मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और इसमें मैं जीरा पाउडर में डाल रही हूँ आधी चम्मच। ये देखिए मेरा मसाला रेडी हो गया है। साथ ही में मैंने ये जो पनीर, ये जो मैंने शिमला मिर्च और प्याज से मैंने बनाया था ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए मैंने प्याज और शिमला मिर्च को इसमें मिला दिया है और साथ ही में मैं ये जो मैंने पनीर फ्राई करके रखा था ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और ये भी मैं मिला दूंगी। साथ ही मैं थोड़ा हरा धनिया में डाल देती हूँ और हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। ये देखिए ये मेरा रेडी हो गया। साथ ही मैं इसमें आधी कप पानी में इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए मेरा पनीर दो प्याज़ा रेडी हो गया है। अब मैं ऊपर से ये दो चम्मच मैं ये क्रीम डालूंगी और मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ।
ये देखिए मेरा पनीर दो प्याज़ा रेडी हो गया और मैं सर्व कर देती हूँ। ये देखिए मैंने सर्व कर दिया है, मेरा पनीर दो प्याज़ा रेडी हो गया है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय।